सुप्रीम मोटर या जनरेटर की किक अगर खराब हो जाए, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम घर पर, चलो इस वीडियो में हम आज सीखते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो पेट्रोल मोटर है, हांडा GX160। जी दोस्तों, इसकी एक किक जो है खराब हो गई है। किक में लगी रस्सी जो है ये बाहर आई है और ये वापस नहीं जा रही है। क्या वजह है हम पूरा इस वीडियो में आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसको किस तरह से आप घर बैठे ठीक कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने पास, यहाँ पे मेरे पास टी स्विपनर एक है 10 नंबर, इसके ज़रिए 3 बोल्ट लगे हुए यहाँ पे आप देख सकते हो इस किक पे। इसको मैं पहले इन बोल्टों को बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे 3 बोल्ट मैंने बाहर निकाल दिए और एक किक बाहर आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये किक जो है बिल्कुल फ्री है, वापस नहीं जा रही है, यानी कि इसकी स्प्रिंग जो अंदर लगी हुई होती है स्टील की, उसमें फॉल्ट आया है। उस फॉल्ट को हम इस वीडियो में सॉल्व करके आपको पूरा दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बोल्ट लगा हुआ है, 8 नंबर बोल्ट है ये। इसको हम स्विपनर की मदद से रिमूव करेंगे इस बोल्ट को। यहाँ पे हमारा बोल्ट जो है वो बाहर आ गया है और यहाँ पे एक पतरी लगी होती है, इसके ऊपर ये स्प्रिंग लगी होती है। यहाँ पे इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे एक देख सकते हो एक क्लिप है जो मोटर को घुमाता है, इस क्लिप को भी हम पूरा बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पतरी जो है अंदर, ये इसमें स्प्रिंग होती है पतरी टाइप की, इसमें ग्रीस भी लगी हुई है, इसको हम बाहर निकालते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको बाहर निकाल दिया है। आप देख सकते हो ये जो स्प्रिंग है ये टूट गई है, थोड़ी सी बीच में ही रही, ये देख सकते हो आप। अगर आपके पास भी इस तरह से पतरी जो है, ये स्प्रिंग जो है टूटी हो, तो वो टूटा हुआ हिस्सा जो है वो आपने बाहर निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी इसमें फंसी हुई है, इसको हम बाहर निकालेंगे। ये यहाँ एंड में इसके साथ कनेक्टेड थी और ये टूट गई है। हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकालते हैं। ध्यान रहे कि हाथ में कट ना लगे, ये बहुत ही तेज़ होती है, आराम से आप निकाल दीजिए, कोई जल्दी नहीं करनी है इसको निकालने में। यहाँ पे हमने निकाल दी है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ से टूट गई है। अब हम इस हिस्से को बाहर ही निकालेंगे। अगर ज़्यादा टूटी हुई है तो आप दूसरी स्प्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका किनारा जो है इसको मोड़ना है। मोड़ने से पहले इसको किसी गर्म कीजिए अपने गैस पे, तब ये मोल्ड हो जाएगी, यानी कि फोल्ड हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही सख्त होती है, जो ही आप इसको फोल्ड करना चाहोगे टूट जाती है। लिहाजा गर्म करके इसको फोल्ड कीजिए। यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया है और इसको आप यहाँ इस यहाँ फंसा दीजिए, क्योंकि जब हम इसको घुमाते हैं तो ये फिर स्लिप नहीं होती है, अगर आपने अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे बिठाया है। या फिर अंगूठे की मदद से इसको प्रेस कीजिए और इस स्प्रिंग को जो है इसमें बराबर आप फिक्स कर दीजिए 2 अंगूठे की मदद से। यहाँ पे हमारी कॉइल जो है वो फिट हो रही है, ये जो स्प्रिंग कॉइल भी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको फंसा दिया है। अब ये जो सेंटर वाला बोल्ट है ये इसके बीच में आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमने इसको फंसा दिया है ऊपर। अब ये एक छोटी सी पतरी होती है, इसके बीच में वो छोटा सा नट होता है जिसके ऊपर, जो पहले हमने आपको दिखाया था जिसे इंजन घूमता है, वो पतरी डालनी है इसके ऊपर।
ये एक वोल्ट होता टाइप होता है, इसी में फंस जाता है ये। वोल्ट के ऊपर फंसाना है आपने, क्योंकि जब वो अंदर वाला घूमता है तो ये मोटर को भी घुमाता है, ये उसके कोनों में फंस के उसको घुमाता है जब हम किक को खींचते हैं बाहर। यहाँ पे फंस गए आप, इसको आपने यहाँ पे जो है घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। जी दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसके बाद इसमें रस्सी फंसानी है। जितना ये घूमता है उतना आपने घुमाना है। जी दोस्तों, ये पुतरी जो है ये लास्ट में आपने ऊपर फिक्स करना है। यहाँ पे वो जो बोल्ट 8 नंबर है उसको आप रिंग स्पिनर या एस स्पिनर जो भी आपके पास मौजूद है उससे आप इसको बंद कर दीजिए। उसके नीचे एक स्प्रिंग होती है वो भी रख लीजिए। अगर आपके पास ग्रीस है उस स्प्रिंग को भी ग्रीस थोड़ी सी दे दीजिए। और यहाँ पे कट हुआ होता है इसका, इस कट से बाहर आना चाहिए। ये ऊपर वाला ढक्कन जो है उसी हिसाब से लगाना है कि कट वाला हिस्सा जो है वहाँ से अंदर वाला कुंडी जो टाइप है वो बाहर आना चाहिए। और यहाँ पे आप ये नट जो है 8 नंबर बोल्ट उसको आप इसमें टाइट कीजिए। यहाँ पे हमने 8 नंबर बोल्ट जो है उसको टाइट किया है। पूरा टाइट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अब स्प्रिंग जो है वो काम अपना कर रही है। इसको अब हम जो है रस्सी बांधेंगे। रस्सी बांधने का तरीका है, सबसे पहले इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जी दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज उतना घुमाना है कि पूरी रस्सी इसके अंदर फिक्स आ जानी चाहिए। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको बनाया है। यहाँ पे इसका एक सुराख होता है, ये सुराख और बाहर वाला सुराख जो है जहाँ से रस्सी अंदर जाती है एक ही जगह आ जानी चाहिए, यानी कि एक ही सीध में दोनों सुराख आने चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों सुराख आ गए। अब यहाँ से आप इस रस्सी को जो है डाल दीजिए। जो ये आप रस्सी को डालेंगे तो यहाँ से इसको खींचे बाहर और छोटा सा एक गांठ यहाँ पे इसको लगा दीजिए और रस्सी जो है वो इसमें फिक्स हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पे हमारा गांठ जो है वो बराबर हो गया है। अगर आपको लगे कि ये फिसल रही है तो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इसको रुका सकते हो स्लिप होने से। यहाँ पे मैंने जिस तरह रखा है और यहाँ पे हमारी किक तकरीबन कंप्लीट हो रही है। थोड़ा सा एक दो बार इसको रस्सी को अंदर बाहर खींचना है ताकि इसमें पूरा जो स्प्रिंग है अपनी जगह वापस आ जाए। ये देखो आप, जब हम इसको खींचते हैं तो बराबर अपनी जगह आ जाती है। और जिस तरह से आपने नॉट 3 खोली थी उसी तरह से बिल्कुल
वो तीनों नट आपने बंद कर देने हैं। ये जो बोल्ट तीन हमने खोले थे वो इसी तरह से आपने बंद करने हैं। और यहाँ पे हमारे दो बोल्ट लग गए, ये तीसरा बोल्ट भी हम फिक्स कर रहे हैं। हमारे तीनों बोल्ट जो है वो फिक्स हो गए हैं, बंद हो गए हैं। यहाँ पे इनको टाइट कर दीजिए। ज़्यादा भी टाइट नहीं करने की, फिसल जाएगा, स्लिप करेगा नट। उतना ही टाइट कीजिए जितना टाइट कर सकते हो आप। और यहाँ पे हम अब इसको स्टार्ट करेंगे। हमारा मोटर जो है स्टार्ट हो गया, जो है वो बिल्कुल अपना काम कर रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्म टेक 2। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।